तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज बेहद इंपॉर्टेंट मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच, जो आज जीतेगा वो 28 मई संडे को चेन्नई सुपर किंग यानी धोनी की टीम से खेलेगा। अगर आप मेरी पर्सनल पूछें तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई के बीच मुकाबला होना चाहिए, और ये उसी अहमदाबाद के स्टेडियम में जहाँ फाइनल भी है। तो आज एक दिलचस्प और अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन वही होता है कि हर टीम किसी न किसी की फेवरेट होती है। तो आज मेरी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस है, हालांकि गुजरात टाइटन भी मेरी फेवरेट टीम है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। हार्दिक पांड्या भी मेरे फेवरेट प्लेयर से एक हैं। अब पिछले एक दो सालों में जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया है, और ख़ासतौर पर कैप्टनशिप, फ्यूचर के कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या, गारंटी है इस बात की। कम से कम शॉर्टर वर्जन में, यानी कि 50-50 या 20-20 में तो पक्का वो बनेंगे रोहित शर्मा के बाद। तो उम्मीद है कि एक अच्छा मैच होगा। गुजरात टाइटन की बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी है, और मोहम्मद शामी हैं, उधर राशिद खान है, एक और अफगानिस्तान के नूर, ये सारी बॉलिंग, बैटिंग भी अच्छी है। मुंबई की बैटिंग अगर चल गई तो फिर इनका तो कोई जवाब नहीं। रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव आजकल हर दिल पर जो छाए हुए हैं। इसके अलावा ग्रीन भी बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म में आ गए हैं। तिलक वर्मा एक बेहतरीन प्लेयर है। तो कुल मिलाकर मुकाबला अच्छा होगा, और मुंबई वैसे भी हमेशा कहते हैं कि लेट जागती है, तो वो धीरे धीरे जब टूर्नामेंट आगे बढ़ता है तब मुंबई की टीम फॉर्म में आती है। इतिहास है कि शुरुआत पर ही उनकी गड़बड़ होती है। तो लास्ट मैच जिस तरह से वन साइडेड जीता, अब उम्मीद है कि मुंबई अच्छा खेले, फाइनल में जाए, और फाइनल धोनी से हार जाए, बस यही तमन्ना है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट या हादसे होते हैं, और उस हादसे के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव दल, जो राहत का काम करते हैं, बचाते हैं जो घायल हैं या जो मरने जा रहे हैं, उसको मौत के मुंह से खींच कर ले आते हैं। लेकिन आप ज़रा सिर्फ इमेजिन कीजिए कि ऐसा कोई एक हादसा हुआ हो, रेस्क्यू टीम पहुँच गई है, रेस्क्यू टीम को ये भी पता है कि कहाँ पर उनको क्या मदद करनी है, लेकिन रेस्क्यू टीम के लोग खुद डरे हुए हैं, आगे अपने कदम बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि आगे वो कदम बढ़ाएंगे तो दूसरों को बचाएंगे क्या, खुद ही मर जाएंगे। ऐसे दुनिया में बड़े कम केसेस होते हैं जब रेस्क्यू टीम की खुद जान आफत में पड़ जाती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं जब रेस्क्यू टीम अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाते हैं, लेकिन यहाँ जान पर खेलना भी एक तरह से बेवकूफ़ी कहा जाता। तो इसलिए रेस्क्यू टीम जब तक आगे बढ़ती या वहाँ तक पहुँचती, वो अपने कदम पीछे खींच लेती है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा केस है, या प्लेन क्रैश की कहानी है, जिसमें एक भी लाश नहीं मिली, लेकिन हर एक को पता है कि उन लाशों का हुआ क्या, क्योंकि जिस जगह ये प्लेन गिरा वहाँ था क्या। कहानी 1996 की है, कहानी अमेरिका के फ्लोरिडा की है। फ्लोरिडा स्टेट से एक प्लेन उड़ान भरती है मियामी के एयरपोर्ट से। ये जो प्लेन थी DC-9592, एक बहुत बड़ा जहाज़ भी नहीं था, लेकिन इसमें कुल करीब 109 लोग सवार थे, 104 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर। इस जहाज़ की पायलट थी कैंडी क्यूबिक और को पायलट रिचर्ड हेजल, और इन दोनों को बड़ा ही तजुर्बा था फ्लाइंग का। लेकिन ये जो एयरलाइंस थी उस वक्त जो कंपनी थी वेलुजेट एक नई कंपनी थी अमेरिकी आसमान में, और ये 3 साल पहले ही शुरू हुई थी। जैसे अपने यहाँ कंपनी बहुत सारी होती है, जैसे विस्तारा है या फिर इंडिगो है या फिर गो एयर है, उसी तरीके से ये वेलुजेट अमेरिका की एक फ्लाइंग कंपनी थी, एयरलाइंस प्राइवेट कॉमर्शियल ये उड़ाया करती थी। 3 साल हुए थे इसको इस पेशे में आए हुए, लेकिन इन 3 सालों में वेलुजेट ने काफ़ी नाम कमा लिया था। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने बाकी कंपटीटर के मुकाबले किराया बड़ा कम रखा था, सस्ता। जैसे अपने अभी होता है, कंपटीशन होता है, कभी गो एयर, कभी इंडिगो, विस्तारा, आपसी में ये लोग होड़ मची रहती है तो किराया कम कर देते हैं, तो जिसका किराया कम होता है लोग उसमें ज़्यादा चढ़ते हैं। पहले याद होगा आपको प्लेन में खाना पीना भी मिलता था, अब तो सब बिकता है, पानी भी बिकता है, खाना भी आपको अगर खाना है तो पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग का हिस्सा हो गई हैं। तो ये सस्ते किराए की वजह से वेलुजेट काफ़ी पॉपुलर हो गया था,
लेकिन जब कोई प्लेन सस्ता करते हैं किराया वराया कम, तो बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे मैंने बताया कि खाना वाना फिर आपको बेचना पड़ता, फ्री नहीं मिलता। पहले डोमेस्टिक में भी हमारे यहाँ टीवी लगा होता था, एंटरटेनमेंट, उस पर पिक्चर देखिए, कॉमेडी देखिए। अब वो सारी चीज़ें भी लगभग हर एयरलाइंस ने हटा दी इंटरनेशनल को छोड़कर। तो फिर कई बार आप सिक्योरिटी से भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो यहाँ भी हुआ, इसके आलम यह था कि एक बार ऑटो पायलट ख़राब था, अनाउंसमेंट सिस्टम ख़राब था, तो लाउड स्पीकर से प्लेन के अंदर अनाउंस करना पड़ रहा था। ये सारी चीज़ें, कम किराया और कंपटीशन, उन सब होड़ में कई बार एयरलाइंस वाले भी इस तरह की लापरवाही बरतते हैं, जिससे मुसाफिरों की जान खतरे में होती है। तो खैर, वेलोजेट कंपनी काफ़ी नाम कर रही थी, और इसकी ऐसी ही एक उड़ान 1996 में मियामी एयरपोर्ट से दोपहर 2:03 पर उड़ान भरती है। 109 लोग, 104 मुसाफिर, 5 क्रू मेंबर। उड़ान भरने के बाद सब कुछ ठीक था अगले 10 मिनट तक, लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद अचानक कॉकपिट में एक बड़ी तेज़ आवाज़ आती है। दोनों पायलट अलर्ट हो जाते हैं कि ये क्या है। फिर पता चला कि प्लेन के एक हिस्से में जहाँ कार्गो है, सामान रखा होता है, वहाँ से ये आवाज़ आई है। इधर आवाज़ आने के साथ ही प्लेन्स का थोड़ा बैलेंस बिगड़ने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में अचानक प्लेन के अंदर धुआं आना शुरू होता है। एयर होस्टेस, बाकी लोग घबरा जाते हैं, वो भागते हैं कॉकपिट की तरफ। मुसाफिरों में भगदड़ मच जाती है। अचानक अब ऑक्सीजन भी कम होने लगता है, ऑक्सीजन लोग डिमांड करने लगते हैं। इधर धीरे धीरे अब ये हो रहा कि पायलट का अपने प्लेन से कंट्रोल खोता जा रहा है। वो फौरन ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजता है, कहता है कि हमारे कुछ प्लेन में प्रॉब्लम आ गई है, धुआं भी है, शायद आग लग गई है, और हम वापस मियामी एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं, हमें उतरने की इजाज़त दी जाए। चूँकि इमरजेंसी थी, तो मियामी ATC वहाँ की एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो पायलट को कहती है कि ठीक है, हम रनवे पर तमाम फायर ब्रिगेड और जो एम्बुलेंस ये सब तैयार रखते हैं, आप वापस आइए। अब पायलट प्लेन को मोड़ता है। अभी तक प्लेन कंट्रोल कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मोड़ने के अचानक कुछ देर के बाद, ये जब ATC से बात हुई उसके 30-40 सेकंड के अंदर, अब ATC को इस प्लेन से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मतलब प्लेन का और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का आपस में जो कनेक्शन था वो टूट गया। और ATC से अगर किसी प्लेन का कनेक्शन टूट जाए, तो फिर समझिए ऊपर वाला ही मालिक है। क्योंकि एक प्लेन जब उड़ान भरती है, हवा में होती है, तो हम सबको ये लगता है कि बस उसने भर लिया, आसमान खाली है, वहाँ तो ट्रैफिक तो कोई है नहीं, रेड लाइट तो होता नहीं है, इतना खुला आसमान है, हमारे जैसे सड़कों की चौड़ाई का भी मतलब नहीं है, कहीं भी उड़ाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि आसमान में भी एक एयर ट्रैफिक एक रूल होता है, कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर। एक प्लेन इससे ज़्यादा एरिया में दाएं बाएं नहीं हो सकती है, हालांकि वो किलोमीटर का दायरा होता है। तो हाइट से लेकर बाकी चीज़ें सब नीचे से ही उसको कंट्रोल किया जाता है, और वो कंट्रोल करता है एयर ट्रैफिक ATC कि कब आपको कहाँ मुड़ना है, कितने हाइट पर जाना है, कहाँ एयर टर्बुलेंस है, कहाँ पर मौसम ख़राब है, कहाँ बादल हैं। तो ये सारी चीज़ें नीचे से गाइड होती हैं, और उसी हिसाब से पायलट उसको फॉलो करके प्लेन को उसी डायरेक्शन में या उस हाइट पे ऊपर नीचे करता रहता है। अब आपको लैंड भी करना है, तो ATC के आप सहारे हैं, क्योंकि वो बताएगा आपको रनवे कौन सा है, रनवे नंबर क्या है, रनवे खाली है भी कि नहीं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब आप प्लेन में बैठते हैं और एयरपोर्ट नज़दीक है, पायलट बोल चुका होता है कि क्रू मेंबर बी रेडी फॉर लैंडिंग, तो लगता है कि आप लैंड होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी 10-15-20 मिनट हो जाता है। वो इसलिए होता है कि उस वक्त रनवे खाली नहीं होता, रनवे पे रश होता है, भीड़ होती है। तो फिर ATC प्लेन को कहता है कि आप ऊपर घूमो गोल गोल। तो वो फिर दिल्ली आने के बाद भी कई बार प्लेन आपके फरीदाबाद से लेके और उधर दूर दूर तक घुमाते रहते हैं, और जब रनवे खाली होता है ATC इजाज़त देता है प्लेन नीचे। तो ATC का कंट्रोल में रहना और प्लेन के साथ बहुत ज़रूरी है, और एक बार संपर्क टूट गया तो फिर समझिए कि कुछ भी हो सकता है। तो इस एयरलाइंस के साथ वेलोजेट के यही हुआ कि ATC से संपर्क टूट गया। संपर्क टूटा, ATC के लोग घबरा गए। अब उधर उधर पायलट की हालत यह है कि कंट्रोल से अब उसके प्लेन लगभग छूट चुका है, प्लेन में तेज़ धुआं है। उसी दौरान में एक उसी प्लेन के करीब से एक दूसरा प्लेन छोटा सा गुजर रहा था,
और उसने देखा कि उसके बराबर में जो प्लेन है जो अपना बैलेंस खो चुका है बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है और उसमें आग लगी हुई है, आग के गोले हैं। ये विटनेस था आसमान में भी, एक दूसरा प्लेन के दोनों पायलट। अब खैर ये कंट्रोल से बाहर हुआ, एटीसी से संपर्क टूट चुका है। इसके बाद ये प्लेन बड़ी तेज़ी से नोस के जरिए नीचे, जो जहाज का अगला हिस्सा होता है उसके जरिए अब ये नीचे गिर रहा है। इत्तेफाक से चूंकि उसने मियामी एयरपोर्ट से उड़े हुए अभी 10 मिनट हुआ था फ्लोरिडा के इस जगह से, तो बहुत दूर प्लेन नहीं गया था, वापस मियामी की तरफ आ रहा था तो दूरी और कम हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि ये मियामी एयरपोर्ट पहुंचता उससे कुछ ही दूरी पर इस फ्लोरिडा के एक साउथ एरिया में एक जगह है, उसका नाम है एवरग्लेड्स। एवरग्लेड्स वो इलाका है जहाँ जब बारिश होती है बरसात के मौसम में यहाँ नदियाँ बन जाती हैं, और जब गर्मी होती है उसके बाद पानी सूखता है तो वो दलदल बन जाता है, और बहुत बड़े एरिया में। अब प्लेन का संपर्क टूट चुका और वो सीधे नाक के बल धरती की तरफ, और इसके बाद प्लेन अचानक नीचे गिरती है और गायब। एटीसी से संपर्क टूट चुका है, प्लेन को गिरते हुए आसमान में एक दूसरे प्लेन ने देखा, आग के गोलों में तब्दील, और नीचे ज़मीन पर गिरने के बाद प्लेन का न कोई मलबा न कोई लाशें न प्लेन की कोई निशानी, प्लेन गायब। लेकिन चूंकि एक विटनेस था ऊपर दूसरे प्लेन का, उसने बताया उसने कहाँ पे देखा आग के गोलों में तब्दील इस प्लेन को नीचे गिरते हुए, तो एटीसी से भी संपर्क टूट चुका। बचाव दल, राहत दल फौरन आसपास के एरियों में जो हवाई रास्ते से ज़मीन के रास्ते से उन जगहों को जीरो इन करते हैं जहाँ पर इस प्लेन के गिरने की उम्मीद थी, लेकिन प्लेन का सारा मलबा गायब है। प्लेन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं कि आखिर वो गया कहाँ, आसमान खा गई ज़मीन निकल गया। बचाव और राहत दल खोजी दल लगे हुए हैं। आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको ऐसी एक अजीब सी और कहानी थी प्लेन की, एक प्लेन क्रैश कुकू एफएम ऑडियो बुक में, जिसमें इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर सवार थे और ये सारे जो उरुग्वेन एयरफोर्स के प्लेन में बैठे हुए थे रग्बी प्लेयर्स, और फिर ख़राब मौसम की वजह से बर्फ़ की पहाड़ी से ये प्लेन टकरा जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, और करीब 10 वीक तक, 10 हफ्ते, मतलब ये मान लीजिए कि 70-72 दिन तक इस प्लेन में सवार लोग, जिनमें से 45 पैसेंजर थे उनमें से 16 बच गए थे फिर भी इस प्लेन क्रैश के बावजूद। और इसके बाद इनकी ज़िंदगी के जद्दोजहद की कहानी होती है कि कैसे उस बर्फीले पहाड़ पर एक प्लेन क्रैश किया, उसमें ये खुशनसीब जो कुछ बच गए अब ज़िंदा रहने की जद्दोजहद, न खाना है ना पानी है, ये कैसे जीते हैं, कैसे ज़िंदा रहते हैं, और फिर कैसे वापस कितने लोग नीचे पहुंचते हैं, बड़े ही मतलब हैरत अंगेज़ एक तरह से कहूँ तो ये कहानी है प्लेन क्रैश कुकू FM ऑडियो बुक पर। तो इसे आप सुनिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक इंसान की जद्दोजहद आखिरी वक्त तक कैसे जारी रहती है। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और हर महीने यहाँ लगभग 42 आवर्स घंटे के कंटेंट्स के साथ ये और भी आगे बढ़ रहा है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक है कुकू FM ऐप पर, जो आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इनमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, इंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की बुक है। और क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफर है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का खजाना है जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो लिंक में जाएँ, और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो यहाँ प्लेन गायब है, इससे वैल्यूजेट का बचाव दल ढूंढ रहे हैं, नीचे उतरे। अब ये भी पता है कि एक हिस्सा ऐसा जहाँ दलदल है। अब कुछ लोगों ने अपने तजुर्बे से अंदाज़ा लगाया कि प्लेन बहुत मुमकिन है कि उस दलदल में गिरा हो। अब सवाल ये है कि उस दलदल में जाकर उस प्लेन को, अगर वो दलदल में ही गिरा है तो फिर जिस दलदल ने पूरे प्लेन को निगल दिया वहाँ कोई और शख्स कैसे जाकर उसको ढूंढ सकता है, कोई और तरीका कैसे हो सकता है, और वो 109 लोग कहाँ हैं, और क्या गारंटी है कि इसी दलदल में प्लेन गिरा। तो खैर जहाँ तक दलदल नहीं है
बड़े बचते बचाते बचा उधर हफ्तों लगता है इसमें, इधर खबर फैल चुकी है मियामी में, जो लोग सवार थे उनके परिवारों का हाल बुरा कि प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन उम्मीद थी कि चलो जो मरे हैं उनकी बॉडी मिले ताकि वो लोग उसको कम से कम देखें और अपने अपने हिसाब से उन सबका अंतिम संस्कार कर सकें तो कम से कम उनकी आत्माओं को शांति मिले। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि न प्लेन में सवार लोग कोई मिल ही नहीं रहा है। अब इस जगह पर जहाँ पर यह प्लेन का हादसा हुआ वहाँ आसपास तलाश शुरू होती है, दलदल के आसपास कुछ लोग जाते हैं तो पहले कुछ सबूत मिलते हैं, बच्चों के बस्ते मिलते हैं, कुछ किताबें मिलती हैं, कुछ इंसानी जबड़े मिलते हैं, बस यही सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर ये मतलब पूरी तरह से एक तरह से पुख्ता हो जाता है कि प्लेन को इसी दलदल ने निगल लिया। अब और कोशिश शुरू होती है तो आपको पता है कि प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, किसी तरह वो ब्लैक बॉक्स जो ना आग में जलता है ना पानी में ख़राब होता है ना टूटता है, वो ब्लैक बॉक्स तक खोजी टीम पहुंच गई और खोजी टीम ने उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाला, लेकिन उस प्लेन का कोई मलबा नहीं मिला, उस प्लेन में सवार 109 लोग नहीं मिले और फिर ये मान लिया गया कि वो 9 लोग कभी नहीं मिलेंगे। इसकी वजह ये है कि जिस जगह पर ये प्लेन गिरा उस दलदल में फ्लोरिडा के साउथ एरिया में जो कहा जाता है कि सबसे ख़तरनाक खूंखार मगरमच्छ थे, घड़ियाल और जहरीले सांप, बेहद जहरीले, तो अगर कोई जिंदा भी रहा तो मगरमच्छ का निवाला बन गया या फिर सांप ने डस डाला या फिर घड़ियाल थे, तो उनमें से किसी की अब लाश या बॉडी मिलने की उम्मीद और गुंजाइश थी नहीं। खाना पूर्ति के लिए बचाव दल और राहत दल रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन 109 में से एक भी मुसाफिर या क्रू मेंबर की डेड बॉडी जो इस प्लेन क्रैश में मारे गए आज करीब 27 साल हो गए आज तक बरामद नहीं हुआ। और लोगों ने मान लिया कि सब कोई इसी दलदल या फिर उस दलदल में मौजूद मगरमच्छ का निवाला बन गए और इसलिए अब दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। सोचिए उन लोगों के मन में और जहन में क्या बीती होगी, एक तो जिनके अपने इस तरीके से मौत के मुंह में चले गए और दूसरा फिर कभी वो ना देख पाए उनकी लाशों को, ना उनको अपने अपने धर्मों के हिसाब से उनको आखिरी सफर तक पहुंचा पाए। इस प्लेन क्रैश को लेकर उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, इंक्वायरी कमेटी बैठी, जब इंक्वायरी कमेटी बैठी तो लंबी जांच हुई, उस जांच के बाद 3 ऑर्गेनाइजेशन को जांच दल ने दोषी ठहराया। उसमें पहली थी वैल्यूजेट कंपनी को, इसलिए कि पता चला कि उस प्लेन में धुआं कहां से आया था, उस प्लेन के अंदर एक ऑक्सीजन जनरेटर रखा हुआ था। ऑक्सीजन जनरेटर ये कि जिससे ऑक्सीजन पैदा किया जाए, और कायदे से उसको रखना नहीं चाहिए था जहां पर वो लगेज और उसके साथ, और वहां बहुत सारे पेपर थे, कुछ पुराने रबड़ थे, लेकिन सस्ता और मुसाफिरों को लुभाने के लिए, आनन फानन में उड़ान भरने के लिए, मुसाफिरों की जान को खतरे में डालकर ये एयरलाइंस इसी तरह पैसे कमा रही थी, तो उसने उसमें अपना ऑक्सीजन जनरेटर रखा और उसी जनरेटर में चिंगारी लगी और आग लग गई, और वो आग कुछ पेपर्स पड़े हुए थे उस पर लगी और फिर जो टायर थे उस पर लगी और उसके ज़रिए प्लेन तक, और उस आग ने प्लेन के पूरे कंट्रोल सिस्टम को, तो वायरिंग थी सब कुछ, वो ख़राब कर दिया। तो जांच में आई कि ये जो ऑक्सीजन जनरेटर था वो आग की वजह बनी और ये वहाँ पर रखना नहीं चाहिए था, ये सुरक्षा के नियमों के खिलाफ था, इसलिए वेलोजेट कंपनी को दोषी ठहराया गया। दूसरा जिनको दोषी ठहराया गया वो थी एक सेबरटेक कंपनी जो इस प्लेन के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी। इंक्वायरी के दौरान पता चला कि कई बार इनके ऑटो पायलट सिस्टम ख़राब हो जाते, कई बार पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम ख़राब हो जाता, लेकिन फिर भी प्लेन को ये उड़ाते रहते थे क्योंकि पैसे कमाने थे, मुनाफा कमाना था, तो मेंटेनेंस कंपनी ने भी अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। और तीसरी जिसको जिम्मेदार माना गया वो थी फेडरल एविएशन एजेंसी, ये अमेरिका का एक तरह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय आप समझ लीजिए, जैसे अपने भारत में सिविल एविएशन, तो अमेरिका के सिविल एविएशन को भी जिम्मेदार माना गया कि एक एयरलाइंस जो इतने सारे सुरक्षा के नियमों के साथ समझौता नहीं कर रही है, उसका उल्लंघन कर रही है, उसके बावजूद आप उसको उड़ने की इजाज़त दे रहे हैं, आप लोगों ने सही से उसके लाइसेंस, उसकी जो फिटनेस है प्लेन की, उन सारी चीज़ों की जांच नहीं की।
तो इसलिए इसके लिए फेडरल एविएशन एजेंसी को भी जिम्मेदार माना गया। मामला फिर अदालत में गया, उधर लोगों का गुस्सा था जो लोग इसमें मारे गए थे। 1997 में, यानी कि इस इंसिडेंट के एक साल के बाद, अदालत ने मेंटेनेंस कंपनी के 3 लोगों को गुनहगार माना और उनको सजा दी जेल की, और साथ ही वैल्यूजेट कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया कि ये पैसे जो है जो मारे गए लोग हैं उनको दिया जाए। इसके साथ ही वैल्यूजेट कंपनी के जितने भी प्लेन थे उस वक्त अमेरिका में उड़ रहे थे उन सबको ग्राउंड पे कर दिया गया कि अब आप उड़ान नहीं भरोगे, और उन सबकी उड़ान पर रोक लगा दिया गया। लेकिन फिर बाद में हर हादसे के बाद जैसे होता है लोग भूल गए, कुछ महीने बीते, फिर एविएशन डिपार्टमेंट ने वैल्यूजेट को प्लेन की उड़ान भरने की इजाज़त दे दी, वो फिर से आ गए। लेकिन तब तक उनकी इतनी बदनामी हो चुकी थी मीडिया के थ्रू, वैल्यूजेट के मेंटेनेंस, उसकी नाकामी और पब्लिक की जान जोखिम में डालकर आधे अधूरे सुरक्षा के साथ प्लेन में उड़ने को लेकर, कि कंपनी घाटे में चली गई, और इतने घाटे में चली गई कि ये कंपनी अपने आप को इसने खुद ही बंद हो गई, और एक दूसरी एयरलाइंस ने बाद में इस कंपनी को ख़रीद लिया और अपने साथ मर्जर कर लिया। इसका जो एक मेन मैकेनिक था जिसने सबसे ज़्यादा लापरवाही बरती थी, साइबरटेक कंपनी का, उसको इस पूरे मामले के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उसी ने इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट को पास किया था। लेकिन कमाल यह था कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था वो मेन मैकेनिक अचानक गायब हो गया, और फिर ऐसा गायब हुआ कि आज 27 साल बाद भी वो हाथ नहीं आया। आज भी FBI उसे ढूंढ रही, और FBI ने उसकी गिरफ्तारी पर लाखों रुपए का इनाम का, मतलब लाखों डॉलर के इनाम का ऐलान कर रखा है, लेकिन फिर भी वो अभी तक हाथ नहीं आया जो मेन इसका मैकेनिक था जिसने इसकी पूरी फिटनेस सर्टिफिकेट दी थी। तो वो गिरफ्तार नहीं हुआ, 109 लोगों की लाशें नहीं मिली, वो सब मगरमच्छ या घड़ियाल के निवाले बन गए, और ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेन क्रैश का केस है जो दलदल में गिरने के बाद जहाँ मालूम है कि यहाँ है सब कुछ, लेकिन बचाव दल भी उसके अंदर उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही सिलसिला, आज JP क्रिस्टियान इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे क्रिस्टियान साहब। साथ ही चिन्मय स्वाई इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चिन्मय। और ये कमलिनी एंड मणि नाम ने भेजा है। इसके अलावा शाइस्ता इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शाइस्ता। साथ ही गुलफाम इनका भी आज जन्मदिन है। रोहित कुमार इनका भी आज बर्थडे है, और मनीष ने भेजा है। इसके अलावा मुन्नी इनका भी आज बर्थडे है, और कृष्ण ने भेजा है। साथ ही अंकिता इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंकिता। इसके अलावा सौरभ रॉय इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इरशाद अहमद इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। पिंकी गुप्ता थैंक यू सो मच आपका। इसके अलावा पायल गर्ग थैंक यू सो मच पायल जी। प्रसाद बल्कि प्रासीद शंकर, और इन्होंने एक पूछा है प्रासीद शंकर साहब ने कि आसाराम और राम रहीम बाबा इन सब के इसका अपडेट क्या है। तो कोई अपडेट नहीं, इन सबको चूंकि कन्विक्शन हो चुकी है, सज़ा मिल चुकी है, ये लोग अपना अपना जेल में सज़ा काट रहे हैं। मिर्ज़ा फुरकान ज़रूर आपसे मुलाकात होगी मिर्ज़ा साहब। वत्सल देसाई कहानी की फरमाइश की। आकाश शर्मा इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद ज़ुबैर थैंक यू सो मच। अश्वनी कुमार इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। आनंदी इन्होंने कहानी की फरमाइश की है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा गुलिस्तां इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। और अमित कुमार थैंक यू सो मच अमित आपके मेल के लिए। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मजे लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।